एक गुलामीर चिह्नरु मिलिबो मुक्ति संसद रूपरे विश्व देखिबो भारतर स्वदेशी शक्ति गणतंत्रर भव्य मंदिरर उद्घाटन प्रस्तुति 28 तारिखरे लोकार्पण करिबे प्रधानमंत्री मोदी राजदंड स्थापन करी मोदी करिबे परंपरा इतिहासर रक्षा राष्ट्रपतिंक बाहनरे विरोधींक मिली तुच्छा लोक देखा मे 28 को अपेक्षा करिछि सारा देश नुआ संसदर उद्घाटन करिबे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यहा सह स्वाधीनता पूर्वर आउ एक गुलामीर चिह्नरु देशकु मिलिब मुक्ति तेबे नुआ संसदर लोकार्पणकु नेइ केन्द्र सरकारक पक्षरु आउ एक बड़ घोषणा करा जाइछि जेउथिरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीकु शासन हस्तांतरण प्रतीक भावे परिगणित सेंगोल बा राजदंड प्रदान करा जिवो सेंगोल जो है असीम आशाएं अनंत संभावनाएं और एक मजबूत स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है यह अमृत काल का प्रतिबिंब होगा जो भारत को अपने विश्व में यथोचित स्थान ग्रहण के लिए गौरवशाली क्षण का साक्षी बनेगा सेंगोल रो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी रही धार्मिक साधु संतों सह आलोचना पर ही सेंगोल को शासन हस्तांतरण प्रतीक स्वरूप 1947 माउंट ब्याटेन जवाहरलाल नेहरू को प्रदान करा तमिलनाडुर थिरुवदुथुराई स्वामी थाम्बेरन को डका जाइथिला 14 अगस्त 1947 राति 10:45 जो वैदिक विधि व्यवस्था सत्ता हस्तांतरण होता तार चित्र आज भी तमिलनाडुर अधिनमें महजूद अच्छी ठीक यही कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आयोजन कर प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज म्यूजियम सेंगोल को प्राप्त करने मात्रे लोकसभा वाचस्पति आसन सामने स्थापन करेंगे जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे सेपटे संसद नुआ बिल्डिंग उद्घाटन बहाने विरोधी एकता नारे मेसेज दिया चली उद्घाटन कहीं राष्ट्रपति को निमंत्रण कांग्रेस विरोध आरंभ कर संसद नुआ बिल्डिंग उद्घाटन को कांग्रेस केवल एथिपाई विरोध करुछी आड़े विरोधी एकता देखाई हेबो मोटामोटी मे 28 रे सावरकर जन्मदिन थिबारु सेई बहाने कांग्रेस उद्घाटन कार्यक्रम को बयकट करिबार बहाना खोजुथिबा चर्चा हेउछि कांग्रेस नेतृत्व रे आरंभ होइथिबा संसद उद्घाटन बयकट कार्यक्रम देखु देखु एनसीपी शिवसेना जेडीयू आरजेडी आप समाजवादी पार्टी टीएमसी नेशनल कॉन्फ्रेंस एआईएमआईएम पर 19 अधिक दल अलग अलग बहाने उद्घाटन कार्यक्रम सामिल नहेबार फैसला करिछन्ति सेतिमध्यर अधिकांश दल को समस्या केवल गोटे जे मोदी कहीं उद्घाटन करुछंती तेबे दक्षिण रे टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ठारु आरंभ करी पंजाब रे अकाली दल जाए एमिति अनेक गण बीजेपी दल अछंती जो माने उद्घाटन समारोह रे शामिल हेबार फैसला करिछंती सेपटे कांग्रेस रो विरोध को केवल स्वांग बोली कहिबा सह पार्लियामेंट अनेक्स और लाइब्रेरी को कहीं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी उद्घाटन करितिले बोली प्रश्न करिछि बीजेपी ये राष्ट्रपति करना चाहिए पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे दलित समाज से उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल ट्राइब मुर्मा जी है और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इसको इतना महत्व दिया अरे जिस जगह महत्व देना है उनकी गरिमा बढ़ाना है उस जगह तुम उनको देते नहीं देश की हमारी राष्ट्रपति जो आदिवासी महिला है वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है आप उनको नहीं बुला रहे उनको निमंत्रित नहीं कर उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है लेकिन आप नहीं कर रहे हो आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हो जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी ठीक है दूसरी डेट है जहां तक मुझे याद आता है 75 87 की 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की अपने समय में जो देखिए हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट
इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते। तथापि सब दल को दलमत निर्विशेष गौरवान्वित क्षण में उपस्थित रहा अपील कर संसदीय व्यापार मंत्री। मोर देन ए सेंचुरी ए हिस्टोरिकल थिंग इज हैपनिंग, तो बॉयकॉटिंग एंड मेकिंग इश्यू आउट ऑफ ए नॉन इश्यू इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। आई वंस अगेन अपील देम टू रिकंसिडर देयर डिसीजन। रिपोर्ट, आर्गस न्यूज़।